भाइयों, मोहब्बत की नगरी आगरा में अगर शास्त्रीपुरम एरिया की बात की जाए तो बहुत कॉस्टली एरिया में गिना जाता है। हर कोई चाहता है कि भैया शास्त्रीपुरम में अपना एक घर मिल जाए। अगर आप शास्त्रीपुरम में ऐसी ही कोई प्रॉपर्टी चाह रहे हैं तो आज हम आपको यहाँ पर G+2 हाउस दिखाने वाले हैं। वाओ भाइयों, सबसे पहले हम लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये आपकी सोसाइटी इस 80 फीट के वाइड रोड पर है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये AD हाइट्स के बिल्कुल पास में है। उसके अलावा हमारी सोसाइटी का नाम है स्पेस ग्रीन और ग्रीनरी तो आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पर क्या जबरदस्त रहने वाली है। चलते हैं हम अपनी सोसाइटी के अंदर और यहाँ से हमारी सोसाइटी की मेन एंट्री स्टार्ट हो जाती है। और मेन एंट्री पर भी आपको जो रोड मिल रहा है 40 फीट का वाइड रोड मिल रहा है। उसके अलावा भाई आपका एंट्री गेट हो गया, आइए मेरे साथ अंदर चलते हैं। भाइयों, सोसाइटी ADA अप्रूव्ड है तो यहाँ पर आपको जो ADA की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग सारी फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। यहाँ पर आपको सेंट्रलाइज पार्क तो मिल ही जाता है, उसके अलावा आपको यहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट भी देखने को मिल जाता है। वाटर सप्लाई 24/7 रहने वाली है, उसके अलावा सिक्योरिटी की भी उचित व्यवस्था रखी गई है। आपको सोसाइटी में टोरेंट की पावर लाइट मिल जाती है। आजकल भैया आगरा में टोरेंट की पावर लाइट की जबरदस्त डिमांड चल रही है। कारण है कि टोरेंट की लाइट लगवाने के बाद आदमी को इन्वर्टर भी नहीं लगवाना पड़ता। अभी हम भाई अपना G+2 देख लेते हैं। हम आपको 2BHK G+2 दिखा रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास 3BHK G+2 और अवेलेबल हैं। चलिए मेरे साथ। यहाँ से हमारी एंट्री स्टार्ट हो जाती है। भाई आपको स्टेयर्स का प्रोविज़न यहाँ से मिल जाएगा, टोटल ग्रेनाइट का वर्क किया गया है। यहाँ से हमारे G+2 की एंट्री स्टार्ट होगी। आपको ये जब आप फर्स्ट फ्लोर पे होंगे, सेकंड पे होंगे तो ये तो वैसे बालकनी एरिया मिलना है। हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो हम एक एंट्री यहाँ से भी कर सकते हैं। सेकंड एंट्री आपको अंदर गैलरी से मिल ही रही है। आइए मेरे साथ अंदर दिखा देता हूँ। आप जैसे ही अपने वही घर में एंट्री करेंगे आप आ जाते हैं डायरेक्ट अपने ड्राइंग एरिया के अंदर, और ड्राइंग एरिया भी यहाँ पर आपको साइज में काफ़ी बड़ा देखने को मिल जाता है। उसके अलावा ड्राइंग एरिया से अटैच आपको मिल जाता है डाइनिंग एरिया। यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप यहाँ पर अगर कर्टेन यूज़ करते हैं तो आप अपने ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया को बिल्कुल सेपरेट यूज़ कर पाएंगे। डाइनिंग एरिया में ही फ्रंट पर आपको देखने को मिल जाता है अपना मॉड्यूलर किचन। किचन भी साइज में काफ़ी बड़ा दिया गया है, टोटल ग्रेनाइट का वर्क किया गया है। उसके अलावा आपको ऊपर नीचे कवर्स देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट पर ही आपको विंडो मिल जाती है जिससे कि भाई आपके घर में एयर का क्रॉस वेंटिलेशन आसानी से होता रहेगा। अगर हम रूम्स की बात करके चलते हैं, पहले हम रूम नंबर 1 देख लेते हैं। ये रूम आपका साइज में काफ़ी बड़ा रहने वाला है और इस रूम में आपको पीछे की तरफ भाई सेपरेट ओपन एरिया मिल रहा है। काफ़ी बड़े साइज की विंडो मिल जाती है और रूम में ही आपको सेपरेट यूज़ करने के लिए अटैच वॉशरूम देखने के लिए मिल जाता है। वॉशरूम भी साइज में काफ़ी बड़ा दिया गया है। नेक्स्ट रूम दिखा देते हैं हम आपको। सेकंड रूम आपका ये रहने वाला है। इस रूम का भी साइज काफ़ी बड़ा है। उसके अलावा इस रूम में भी आपको सेपरेट विंडो देखने के लिए मिल जाती है। इसमें भी अटैच वॉशरूम आपको यहाँ मिल रहा है। अगर यहाँ पर प्राइस की बात की जाए तो 2BHK की स्टार्टिंग हो जाती है मात्र 30 लाख रुपए से, और वहीं 3BHK हाउस आपको 34 लाख में अवेलेबल हो जाएगा। अगर साइज़ की बात की जाए तो 2BHK हाउस 1270 स्क्वायर फीट में है और 3BHK आपको मिल जाता है 1515 स्क्वायर फीट में। नहीं, नहीं, सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए। आपको सेल्स टीम के कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले पर तो दिख ही रहे होंगे, और ज़्यादा डिटेल्स हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। कॉल करने में देर मत कीजिएगा क्योंकि कुछ ही यूनिट सेज बची हुई हैं। हम फिर से मिलते हैं अगले किसी प्रॉपर्टी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।